आज किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं? ओ हाय, आप लोग आ गए। एक यूट्यूबर की ज़िंदगी आधे से ज़्यादा ऐसे ही बीत जाती है। पहले तो टॉपिक सोचता है, फिर उस पर तैयारी करता है, फिर सब कुछ हो जाने के बाद वीडियो को शूट करता है, और शूट करते 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 जब फाइनली शूट कंप्लीट हो जाता है तो उस वीडियो को एडिट करता है, और फिर आप जानते हैं। पर बाहर से देखने में ये लाइफ काफ़ी इजी लगती है, पर असल में ऐसा होता नहीं है। तो सीधी और शॉर्ट सी बात यह है कि एक यूट्यूबर भी अपनी लाइफ में काफ़ी अप एंड डाउन्स देखता है, और उसे भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों को बाहर से देखने में ये लगता है कि यार इसका काम कितना आसान है, पर ये काम इतना आसान नहीं रहता। तो जो भी लोग यूट्यूब की अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं वो इस बात से अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि कैसी लाइफ रहती है एक यूट्यूबर की। पर आज के इस वीडियो में मैंने आपको टॉपिक बताया कि मैं वो दिखाने जा रहा हूँ जो जो मैंने यूट्यूब से अचीव किया है। असल में अगर आप इसे मोटिवेशन की तरह लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ये ना सोचें कि मैं कोई शो ऑफ कर रहा हूँ, दिखावाबाजी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, और यूट्यूब की फील्ड में ही नहीं, आप किसी भी फील्ड में अपने आप को अगर एक्टिव रख रहे हैं तो बिल्कुल आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। देखिए, मैं अपनी शुरुआत की कहानी बताता हूँ कि मैंने काफ़ी सारे चीज़ों में ट्राई किया। मेरे हिसाब से किसी काम को आप 100% दे दीजिए, 100% देने के बाद भी अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो आप समझिए कि ये काम आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने काफ़ी बिज़नेस ट्राई किए, स्टार्टिंग में काफ़ी काम ट्राई किया तो कोई भी बिज़नेस चल नहीं पाया। काफ़ी कंपनी में जुड़ के मैंने काम किया, काफ़ी लोगों से मिला, बात किया, पर कुछ भी मुझे होता हुआ वहाँ पे नहीं दिखाई दिया, कुछ ऐसा जो मैंने सोचा था। और उसके बाद मैंने जॉब भी की, और जॉब में मैंने सोचा कि अच्छी खासी सेविंग अगर मैं कर लेता हूँ तो वहाँ से मैं पैसा निकाल के बिज़नेस में डालूँगा या एंटरटेनमेंट फील्ड में डालूँगा। तो इस तरह से मैंने सोचा, पर वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा सेविंग नहीं हो पाई, और फिर भी मैंने वर्क किया 1 साल कम से कम। और उसके बाद मैंने दूसरी जगह इंटरव्यू दिया, और घर वालों का यह था कि घर से बाहर नहीं निकलना है, जो करना है यहाँ रह के करना है। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने यूट्यूब को ट्राई किया, स्टार्ट किया, इसके बारे में जानकारी लेनी स्टार्ट की, 3-4 महीने इसके बारे में जाना। और उसके बाद जब इसे स्टार्ट किया तो धीरे 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 मुझे लगने लगा कि हाँ, ये काम मेरे से हो सकता है और मेरे लिए बना है। और इनसे पहले जो मैंने बिज़नेस किए थे उन पे मैंने 50% अपना दिया, 100% फिर अपना दिया। मेरे हिसाब से अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और आपको 1 साल में समझ में आ जाएगा कि आपके लिए यूट्यूब बना है कि नहीं, आप यूट्यूब पे रह सकते हैं कि नहीं, तो किसी में भी आप 100% दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो काम आपके लिए है कि नहीं। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो झट से आप अपना काम चेंज करिए और किसी और काम पे जाइए। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए ये दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या अचीव किया। वैसे तो अभी तक मैंने काफ़ी चीज़ यूट्यूब के पैसे से ली है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने सबसे पहले एक मोबाइल से मैं शूट करता था, वो 5 मेगापिक्सल का मोबाइल था, और उससे शूट करता था, काफ़ी कम मेगापिक्सल का, काफ़ी बेकार वीडियो क्वालिटी रहती थी। तो इंस्टाग्राम पे मैंने पहले वीडियो बनाना स्टार्ट किया, पर वहाँ मुझे ऐसा लगने लगा, कुछ दिन में फील होने लगा कि वहाँ पे वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी मैटर करती है बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने वो छोड़ दिया, और फिर मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे मैंने देखा कि हाँ, यहाँ पे उतना मैटर नहीं करता, यहाँ पे आपका कंटेंट, जो आपकी स्टोरी है, जो कंटेंट है या जो टॉपिक है, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। उससे मतलब नहीं है कि आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, करता है मैटर पर उतना भी नहीं। तो सबसे पहले मैंने एक मोबाइल लिया, अच्छा खासा कैमरा मोबाइल, ताकि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ, मैं वीडियो क्वालिटी अपनी इम्प्रूव कर पाऊँ। उसके बाद जब मुझे लगा कि हाँ, मैंने वीडियो क्वालिटी इससे इम्प्रूव कर ली है, तो मैंने लैपटॉप वगैरह कई सारी चीज़ें यूट्यूब के पैसे से ही ली। मैंने अलग से कहीं से मनी नहीं लगाया, खुद का पैसा नहीं लगाया, जो मैंने जॉब से सेव किया था वो मैंने पैसा नहीं लगाया, मैंने यूट्यूब का पैसा ही यूट्यूब में लगाया सिर्फ। और उसके बाद मैंने कई चीज़ें और ली, और मैं चलिए दिखाता हूँ उनको। तो सबसे पहले तो जो मेरे से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, मेरे दूसरे चैनल पे
या तो मेरे इंस्टाग्राम पे, वैसे दूसरे चैनल पे मैं ज़्यादा अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करता हूँ, पर इस चैनल पे करूँगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए, वहाँ पे मेरे पर्सनल लाइफ साथ ही साथ आप कुछ डिस्कस कर सकते हैं, मेरे साथ कुछ सवाल हैं वो पूछ सकते हैं, प्लस मेरे लाइफस्टाइल के बारे में आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिलती रहेगी, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। तो चलिए, सबसे प्यारी चीज़ और सबसे अनमोल चीज़ जो मैंने यूट्यूब से हासिल की है उसे मैं दिखाता हूँ। ये थी मेरी प्यारी बाइक, वो भी मेरे फेवरेट कलर में, जो मैंने अचीव किया सबसे महंगा जो अचीवमेंट है अभी तक का वो यही है। और इसके बाद तो सिलसिला चलता गया, और मेरा वैसे ड्रीम था हमेशा का कि मैं एक स्पोर्ट बाइक लूँ, वो भी अपने मेहनत से। तो ये सपना साकार हुआ जब मैंने यूट्यूब पे इनकम करना स्टार्ट किया। और वैसे तो इससे पहले भी मैंने काफ़ी चीज़ें ली, जैसे मैंने आपको बताया यूट्यूब पे वीडियो एडिट करने के लिए मैं जो भी चीज़ यूज़ करता था, जैसे कि लैपटॉप वगैरह, सब मैंने यहीं का पैसा उठाया और यहीं पे लगाया है। और इसके बाद जो मैं चीज़ आपको दिखाऊंगा जो मैंने लिया है वो है ऊपर उड़न खटोला। क्या कहा, हेलीकॉप्टर? नहीं नहीं, गलतफहमी मत पाल लीजिए, देख लीजिए खुद ही। वो है ये DJI का स्पार्क का ड्रोन। तो ये मेरा प्यारा कबूतर, ये मैंने लिया स्पेशली आप लोग के लिए, ताकि मैं वीडियो में और ज़्यादा क्रिएटिविटी डाल पाऊँ, बेस्ट एंगल शॉट दे पाऊँ, और वीडियो देखने में और ज़्यादा अच्छा लगे। आगे चल के आपको कोई भी व्लॉग इस चैनल पे देखने के लिए मिलेगा तो उसमें इसके शॉट मैं ज़रूर आपको देता रहूँगा, और ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद जो मैंने चीज़ ली है वो भी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए ली है, और वो मेरे जस्ट सामने है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो मैंने YouTube से हाल ही में लिया वो है ये Canon का DSLR 200D। तो काफ़ी लोग वैसे देख के इसको चौंक गए होंगे, क्योंकि मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर 2 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और अब जाके मैंने ये DSLR परचेस किया, क्योंकि मुझे अब जाके महसूस हुआ कि मुझे ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी और ज़्यादा इंप्रूव करनी होगी। यहाँ पे मैं कई सारे माइक अटैच करके अपनी ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव कर सकता हूँ, साथ ही साथ वीडियो क्वालिटी का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। तो कुल मिला के बात ये है कि कुछ भी आप हासिल करना चाहें और 100% उसके लिए आप अपना लगा दें तो फिर आपको वो चीज़ हासिल हो ही जाएगी, मिल जाएगी। हाँ, ज़रूर ये जो सफ़र होगा वो उतना आसान नहीं होगा, पर उसका भी अलग मज़ा है। अरे, इतना सब मैंने आपको कहानी बता दी, रामायण बता दिया, पर अपने आप को इंट्रोड्यूस तो मैंने किया ही नहीं। मैं हूँ प्रतीक, लखनऊ से, मुलाकात होती रहेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। गुड बाय, सी यू अगेन।